नमस्कार प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। गुजरात चुनाव के दौरान अब जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए हर पैतरा आजमाया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पाले में बड़े बड़े नेताओं को जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो बड़े आंदोलन गुजरात में हुए आरक्षण के नाम पर, वो कांग्रेस की ओर मुड़ गए, बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई। लेकिन अब मुख्य मुद्दों से जनता को भरमाने के लिए कुछ ऐसे छद्म मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनसे जनता मुख्य मुद्दों से दरकिनार हो जाए। पटेल, पद्मावती और पैसा, ये मुद्दा अब गुजरात चुनाव में हावी होता दिख रहा है। प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर बात करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस का चुनावी घमासान, दोनों ही पार्टियां जनहित के मुद्दों को भूली। पटेल, पैसा और पद्मावती फैक्टर हावी। बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पटेल फैक्टर। बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में कांग्रेस की सेंध। गुजरात चुनाव बना दोनों पार्टियों की साख का सवाल। देश में चुनावों को लेकर गुजरात भले ही देश के लिए विकास का मॉडल रहा हो, लेकिन जब गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं तब सियासी रण में विकास की गौण समझा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर पटेल समाज का है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस कितने ही दावे करे, लेकिन कहीं न कहीं 1,20,00,000 पटेल दोनों ही पार्टियों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में एक बड़ी अहमियत रखता है। पटेल नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर हवाला करने का आरोप लगाया। हार्दिक ने बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए के फंड का आरोप लगाते हुए कहा कि पाटीदारों को पैसों के दम पर बांटना चाह रही है। वहीं बीजेपी के नेता और गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आज हार्दिक के बयान पर पलटवार किया। नितिन पटेल ने कहा कि हार्दिक कांग्रेस के साथ मिलकर पटेलों को बांटने का काम कर रही है, जनता सब समझती है। तो वहीं दूसरी ओर आरक्षण के मुद्दे पर अब बीजेपी हार्दिक को कांग्रेस की लॉलीपॉप बता रही है। मूर्खों की पार्टी ने मूर्ख को बोला और वो मान गया। देश भर में फिल्म पद्मावती का विवाद चरम पर है, तो भला गुजरात इस विवाद से कैसे अछूता रह सकता है। गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने 3 राज्यों के बाद अब गुजरात में भी फिल्म रिलीज करने को लेकर बैन का ऐलान कर दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम के इस ऐलान से किसको फायदा हो सकता है। गुजरात चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता हावी है। ऐसे में पैसा, पटेल और पद्मावती की राजनीति में दोनों ही सरकारें उलझी हुई है। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आखिर गुजरात के रण में फतेह किसकी होगी। आखिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एक ओर आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, दूसरी ओर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की हर संभव कोशिश हर दल करता दिख रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, पद्मावती, पैसे लेन देन और पटेल समुदाय का जो आंदोलन है, ऐसे में क्या लगता है गुजरात चुनाव जिस विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कही जा रही थी अब उससे भटक चुका है, और जो परंपरागत मुद्दे हैं वोट बैंक की जो सियासत कही जाती है वो हावी होता दिख रहा है गुजरात में? दीपक, इस सारे मुद्दों में पैसा और पटेल की चर्चा तो पहले भी होती रही, जो आखिरी जो जिसकी एंट्री हुई है वो पद्मावती है। हम पद्मावती फैक्टर को समझने की कोशिश करें कि उसका गुजरात पे क्या असर हो सकता है। गुजरात में करीब करीब 1,00,000 राजपूतों ने विरोध किया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर हैं रूपाणी, विजय रूपाणी, उनने कहा कि हमने उनकी भावनाओं को समझते हुए अब इस फिल्म को यहाँ पे स्क्रीन नहीं होने देंगे, चाहे पूरे देश में चल जाए। बड़ी जोर शोर से उनने कहा। आप मानिए कि वो विरोध राजपूतों से शुरू हुआ
और धीरे धीरे वो और जाति उसमें शामिल हो गई और कहीं ना कहीं वो हिंदू वर्सेस हिंदुत्व वाली उसमें एक रंग आ गया है। और ये गुजरात के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंडा रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पे पिछले 20-22 साल से उसमें नतीजे आते रहे। तो जैसे ही होता है हिंदुत्व वाली बात, आप सोचिए कि हुई कब है। आप अगर देखें कि 70 से पहले जो राजपूत और जो पटेल हैं उनकी एक एक तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही। पूरा जो पटेल मूवमेंट उठा है, पटेलों ने जो अपना सामाजिक, जैसे सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, उसके लिए जो कोशिश की वो तब हुई जब लैंड रिफॉर्म शुरू हो गए, तो राजपूतों से ज़मीन बट के इन छोटे किसानों को जाने लगी। लेकिन किसानी फिर 20-25 जो आखिर मतलब अब 2010 के बाद या 2012-14 से किसानी परेशानी में आने लग गई। बल्कि कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें हैं कि पटेल, एक जोक है कि पटेल इसलिए नहीं आरक्षण की बात कर रहे कि उन्हें आरक्षण मिल जाए, नौकरी में मिल जाए, लेकिन वो इसलिए उत्तेजित हैं कि उनकी शादियां नहीं हो रही क्योंकि उनको अच्छे जॉब नहीं मिलते, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं। तो जो पटेल समाज है वो एक डिफरेंट टाइप के क्राइसिस में। फिर इसके बीच ये आरोप लगने लगा, हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पैसे से हमारे साथियों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस हार्दिक पटेल और उनके साथियों के इस तरह से। तो गुजरात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स बन गया है इन सब चीज़ों का। और अब हम देखेंगे, क्योंकि गुजरात वो जगह है जहाँ पे सबसे अच्छा नेटवर्क है हवाला ट्रांजैक्शन का, क्योंकि जो हीरे के व्यापारी हैं वो जिस तरह से जेबों में बॉम्बे दिल्ली वो लेके जाते हैं, तो सबसे उन्नत और वेल ऑर्गेनाइज अगर कोई हवाला ट्रांजैक्शन का नेटवर्क है तो वो गुजरात में है। हमें सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सामने कुछ नतीजे आएंगे। बिल्कुल संजय जी, लेकिन सारे फैक्टर्स को दूर रख कर दें और पैसे की अगर बात करें तो लगता नहीं कि जनता को पैसे का लेन देन किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। संसद में पैसे लहराए गए, सड़क पर पैसे फेंके गए, लेकिन इसके बावजूद चुनावी नतीजे कभी भी ऐसा नहीं दर्शाते हैं कि वो पैसों की वजह से जनता का मत परिवर्तित कर सके हों। तो पैसा प्रभावी नहीं दिखता जनता के मत में। तो जो जाति का मुद्दा है, जैसे आप पद्मावती के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को और हवा दी जाएगी। दीपक, मैं पैसे के बारे में कुछ आपको एक बहुत चौंकाने वाली बातें कहूंगा जो हम लोग नहीं समझ पाते। अगर आप देखें तो पिछले जो चुनावों में लगातार पैसे का रोल बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जितनी सख्ती करता है वो अंडर द टेबल पैसे का ट्रांजैक्शन, जैसे जो मैं हवाला की चर्चा की जानबूझ के की थी, इलेक्शन कमीशन ने ऑन ग्राउंड आपके सारे पैसे के सोर्सेस को रोकने की कोशिश कर ली। इस बीच हवाला पनपा है, हवाला इस तेजी से पनपा है कि एक दिन के ट्रांजैक्शन में हवाला के जो लोग हैं वो 40,000 से 1 करोड़ रुपए, 40,000 से 1.5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो ये व्यापार बहुत ज़बरदस्त पनपा है। दूसरा ये कि पैसा जो हम सोच रहे हैं कि राजनीति में पैसे का रोल, अब मैंने पंजाब के चुनाव देखे जहां मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पहले 2-3 प्रतिस्पर्धी ऐसे हैं जो एवरेज MLA की सीट पे 10 से 25 करोड़ के बीच रुपया खर्च करते हैं, ये लेकिन इलेक्शन कमीशन की पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल। तो पैसे का रोल होता है तब जब बहुत फाइट जो है बहुत नज़दीकी हो जाए। उसमें कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको प्रलोभन से, उन नेताओं को प्रलोभन से देख के कुछ वोटों को मोड़ा जा सकता है, ये निश्चित तौर पर होता है, आम जनता को नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहाँ जाति होती है वहाँ पैसे का रोल घटना शुरू हो सकता है, क्योंकि लोग फिर भावना से वोट देने लगते हैं। जी, भावना से वोट देते हैं तो फिर उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती। और शायद यही वजह है कि पद्मावती का मुद्दा इतने प्रभावी तरीके से गुजरात इलेक्शन के बीच आया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चहल भाई देसाई जी जुड़े हुए हैं। चहल भाई जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते। चहल भाई जी, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की और अचानक से ये पद्मावती का मुद्दा प्रभावी हुआ है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ब्रजेश उनदकट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ITSM कन्वेनर हैं साउथ गुजरात के, और साथ ही हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आपके पास आते हैं, पहले चहल भाई से जान लेते हैं कि पद्मावती का मुद्दा काफी प्रभावी तरीके से गुजरात इलेक्शन में और सरकार ने इस मुद्दे को लपक लिया, क्या ऐसा नहीं लगता कि पाटीदार और पिछड़ों का जो आंदोलन था जिसने समाज के एक वर्ग को कांग्रेस की तरफ मोबिलाइज किया, उससे बचाव के लिए अब राजपूत समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पद्मावती का मुद्दा उछाला जा रहा है गुजरात इलेक्शन में? दीपक जी, पहली बात है जो गांधीनगर में एक बड़ी रैली हुई जी, करनी सेना की और राजपूत सेना की, फिर सूरत में हुई, एक तीसरी भी हुई थी, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है वो दड़प लिया है वो BJP ने, और ये बराबर मुद्दा उठाया है कि भाई आज CM रूपाणी जी ने बोला कि हम गुजरात में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, तो हिंदू तत्व पे थोड़ा मुद्दा फिट बैठता है, तो इसके लिए रूपाणी जी ने भी आज बोला है कि हम नहीं, वो तो ऐसा रिलीज होने नहीं वाले, लेकिन मुद्दा दड़प लिया है BJP ने।
और कांग्रेस ने भी शक्ति सिंह गोयल जो है कांग्रेस के बड़े नेता है गुजरात के, उसने भी बोल दिया है भाई हम उसका विरोध करेंगे। तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ये मुद्दा बड़ा बना दिया है गुजरात में, मुझे ऐसा लगता है। जी ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, राजस्थान से ये चिंगारी निकली और पद्मावती की, और देखते ही देखते सोशल मीडिया इसमें बहुत प्रभावी रहा पूरे देश में ये आग फैलाने की, लेकिन अब गुजरात में भी सरकार खासकर इस मुद्दे को हवा देती दिख रही है। ऐसा नहीं लगता कि अब जो जातिवाद का मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो अब तक गुजरात इलेक्शन में हावी नहीं हो पाया था, उसे हवा देने की कोशिश है बीजेपी की ओर से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हिंदुओं को पहले तो ये पद्मावती और हिंदू का ये लोग ने एक मुद्दा बना के रख दिया है। देखिए जब अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये अपने ये बुरखा अंडर लिपस्टिक जो पिक्चर का जो बैन किया है, उन पे फिल्म इंडस्ट्री वाले कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई उन्होंने। जब हिंदुओं की जब ऐसी आस्था की बात किसी जुड़ जाती है, कोई समाज की जुड़ जाती है, और राजपूत समाज अकेले की मांग नहीं है, पूरे हिंदुओं की आवाज है, सिर्फ राजपूतों की आवाज नहीं है, ये पूरे हिंदुओं की आवाज है कि पद्मावती हमारे जो इतिहास के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है तो हम इनको रिलीज नहीं। बिल्कुल ब्रजेश जी, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पद्मावती के मुद्दे को हिंदू अस्मिता से जोड़ा जा रहा है, तो क्या पाटीदार उस समुदाय से नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के लोग उस समुदाय से नहीं है? उनकी भावनाओं की कद्र सरकार नहीं कर रही है, और एक फिल्म को लेकर जो भावना भड़काई जा रही है वो आवाज सरकार ने तुरंत सुन ली? देखिए पाटीदार हर गुजरात के अंदर कोई भी समाज आज अपना सभी का अधिकार होता है कि कोई भी समाज अपनी मांग रखे, उसके लिए कभी भी सरकार ने कभी कोई मनाए नहीं किया है, सबको आवाज उठाने का मौका भी दिया है। मगर जब कोई आंदोलन एक टिकट मांगने तक सीमित हो जाता है, पहले मांग उठी थी कि हमको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं हमको ओबीसी आरक्षण चाहिए, उसके बाद में वो हार्दिक पटेल कोई दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं, और अभी आप देख ही रहे हैं पूरे गुजरात के अंदर कांग्रेस कार्यालय को तोड़फोड़ की जा रही है। तो उससे साबित हो गया है कि ये अनामत मांगने का इनका आंदोलन नहीं था, ये टिकट मांगने का आंदोलन था। ये समाज के सामने भी ये लोग खुले पड़ चुके हैं अभी। बिल्कुल, और शायद बीजेपी के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि समाज के सामने अब खुले पड़ गए हैं। जिस हिंदुत्व को दरकिनार कर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, अब वो पीछे होता जा रहा है और हिंदुत्व हावी होता जा रहा है धीरे धीरे। गुजरात में ये 22 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पे ही जीते हैं। कांग्रेस के पास विकास के ऊपर दूसरा कुछ बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि गुजरात जी 22 साल वक्त काफी होता है, पूरा कायाकल्प कर दिया जाए एक राज्य का अगर 22 साल में सरकार गंभीरता से शासन करे तो। हमारे साथ नौशाद देसाई जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। नौशाद जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। नौशाद जी आवाज मिल रही है? चलिए हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हवा में बदलाव महसूस किया जा रहा है, लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आता दिख रहा है जैसे जैसे नए नए मुद्दे इस गुजरात चुनाव से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर। दीपक, इस समय जैसे जैसे चुनाव की ओर माहौल बढ़ रहा है, भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं, भाजपा बहुत सधे हुए हमले करती है चुनाव में। अभी अभी तक जो देखने में आया है, रविशंकर राम मंदिर के लिए मिले, लोकेंद्र सिंह तालवी पिछले सप्ताह तकरीबन 2.5 लाख लोग उनकी रैली में थे, पद्मावती के विरोध में रैली की थी जी। उसके बाद आज नितिन पटेल ने हमला किया, उन्होंने कहा ये मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख देख रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सधे हुए हमले कर रही है, लेकिन इस राजनीति और चुनाव खेल में गरिमा और मापदंड अब टूटते जा रहे हैं, और अब सिर्फ राजनीति इतनी है कि कौन पार्टी ज्यादा सीट लेके अपने आप को बहुमत की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल, अंतिम लक्ष्य चुनाव का वही है, लेकिन क्या जो बात होती है मुद्दे की विकास की, क्या उसी पर पार्टियां अडिग रहेंगी? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नौशाद देसाई जी जुड़ चुके हैं। नौशाद जी क्या लगता है, बीजेपी अब जिस तरह से पद्मावती के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठा रही है और फिल्म को बैन कर दिया गया, जैसे कुछ गुजरात के कुछ समुदायों को कांग्रेस ने अपने पाले में किया, वैसे ही समाज के एक हिस्से को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई विकास के मुद्दे पर ही दोनों दल राजनीति कर रहे हैं?
जी पद्मावती का मुद्दा क्यों ला रहे हैं वो यहाँ, इसे यहाँ इस चुनाव से क्या लेना देना है? वो मुद्दा संविधान का, कानून का है, इतिहास का है, उसे यहाँ क्यों भड़का रहे हैं बीजेपी? लेकिन नौशाद भाई, क्या आरक्षण का मुद्दा संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है? जो 50% से अधिक आरक्षण देने का आश्वासन कांग्रेस दे रही है, वो अपने जेब से निकाल कर देगी क्या? नहीं, कांग्रेस ने संविधान, कांग्रेस ने कोई गलत वादा नहीं किया है। जो बीजेपी ने जो वादे किए आरक्षण से, वो कांग्रेस ने कोई अलग कुछ वादा नहीं किया है। कांग्रेस ने भी संविधान से बातचीत करके रास्ते निकालने की बात करी। तो नौशाद देसाई जी, आप उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी का क्या कहेंगे कि मूर्ख ने प्रस्ताव दिया, मूर्ख ने प्रस्ताव स्वीकार किया और जनता को मूर्ख बना रहे हैं? अरे भाई, उन्होंने मूर्ख बनाया विकास के मुद्दे पर 22 साल, उस पर बात क्यों नहीं करते? 22 साल में गुजरात के 6 करोड़ लोगों का कौन सा विकास हुआ? आर्थिक विकास किसका हुआ गुजरात में 6 करोड़ लोगों का? किस क्षेत्र में गुजरात में, शिक्षा में, बेरोजगारी में, किस क्षेत्र में गुजरात नंबर वन है इंडिया में, वो तो बताए पहले। जी बिल्कुल, हम आते हैं आपके पास। प्राइम टाइम में हमारा एक खास नया जुड़ाव हुआ है। हम हल्के फुल्के लाइट नोट पर एक कार्टून के जरिए जो जनभावना होती है उसे दर्शाने की कोशिश करते हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया जरूर लेंगे कि किस तरह से इस चुनावी माहौल में मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं। ये कार्टून देखिए, ये गुजरात इलेक्शन से संबंधित हमारे सहयोगी का कार्टून। कमल हाथ, ये सब दल चिन्ह भी कुछ न कर पाएंगे, गुजरात चुनाव चिन्ह पैसा है, इसी से जीतेंगे या हराएंगे। मतलब व्यापारियों की नगरी में पैसा कितना महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चहल भाई, क्या लगता है, तमाम मुद्दों के बीच पैसों का खेल भी अब जल्द ही देखने को मिलेगा या अंदर खाने ये खेल चल रहा है? नहीं, अंदर खाने खेल चल रहा है। और दीपक जी, 2 दिन पहले डेबिट में मैंने बोला था, वो 2 बात सच हुए थे। 5 विकेट दिए जाएगी, पासा का जो रोकते रखी थी कांग्रेस वो भी दे दी। तो मैंने मेन मुद्दा बोला था कि अभी 2 दिन बाद कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको मालूम, मेरी दोनों दोस्त बात सच निकली, आज जुड़ गया हार्दिक। तो ये पैसों का तो खेल चलेगा, बीजेपी की तरफ से खेलेगा कांग्रेस से, लेकिन अभी अभी जो है वो मेन मुद्दा अभी ऐसा है कि हार्दिक पटेल ने आज एक बोला है कि भाई निवेदन मैं दूंगा और कोई नहीं देगा। और पासा कन्वर की जो है वो सब नए टीम बना रहा है अभी पासा के लिए। तो अभी जन पावला कितने मैदान में लोग आते हैं, हार्दिक जब सफाई करेंगे तब कितने लोग उसके साथ जोड़ते हैं, उससे भी नई एक राजनीतिक पैदा होगी। मेरे को लगता है 100% जो लोग जुड़ना चालू हो गए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। अगर नहीं जुड़ते हैं तो भाजपा को फायदा है। और ये पद्मावती फिल्म की बात है तो उसका मुद्दा ज्यादा नहीं चलेंगे, तो राजपूत समाज है वो ठीक है, बीजेपी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश किया है, लेकिन कांग्रेस में बहुत राजपूत है, कांग्रेस ने भी उसका मुद्दा बराबर उठाया है, तो उसका कोई राजनीतिक फायदा किसी को मिलेगा नहीं, वो ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। संजय जी, अभी आप बता रहे थे कि जो रिपोर्ट्स कहते हैं वो करोड़ों में विधायक चुनाव के लिए एक एक पार्टी के नेता खर्च करते हैं, ऐसे में इतना पैसा कहां से? और अगर हार्दिक पटेल का जिक्र करें तो वो 200 करोड़ से 1200 करोड़ तक पैसा ऑफर किए जाने की बात कह चुके हैं, तो इतना पैसा आ कहां से रहा है, जबकि सब कुछ तो अब सरकार की नजर में है? तो ऐसा पैसा कहां छिपा कर रखा गया है जो सरकार की नजर से छुपा हुआ है और चुनावी माहौल में उसे इस्तेमाल किया जाएगा? दीपक, मेरे साथ थोड़ा अन्याय होगा, मैं कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ कि मुझे ये पता हो कि पैसा कहाँ है, लेकिन मुझे जो पत्रकार के नाते मैंने जो देखा है वो मैंने बहुत ही भयानक चित्र देखा है पैसे के मामले में, और किस तरह से राजनीति को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से जो सोशल मोबिलाइजर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। और पैसा तो आप मानिए कि जब एक बहुत सारी वर्ल्ड बैंक की और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि एक लेवल पे जब गैर बराबरी किसी समाज में हो जाती है तो सारा सिस्टम पैसे वालों के लिए काम करना शुरू करता है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान वो समाज है जहाँ गैर बराबरी का लेवल दुनिया में वर्स्ट है, गुजरात उसमें सबसे आगे है।
तो जब ये होने लगता है तो जो इंडस्ट्री है वो इस बात में इन्वेस्ट करती है कि हमारे फेवर में कौन लोग हैं जो कानून हमारे फेवर में बनाए, नियम हमारे फेवर में बनाए, और पैसा तो आ जाएगा। वो कोई कोई पार्टी से अछूती नहीं है। जो पार्टी सत्ता में आती है असल में वो ताकतवर लोगों की, पैसे वालों की प्रतिनिधि होती है जी। तो और चुनाव प्रचार का आप जो खर्चे देख के अंदाजा लग सकते हैं कि सरकार, वैसे तो 28 लाख एक विधानसभा क्षेत्र की गुजरात में लिमिट है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो 28 लाख कहीं कुछ मैटर ही नहीं करता जी। तो लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात लग रही है इसमें, आप देखिए दो पार्टी, दो हमारे देश की मुख्य पार्टी असंवैधानिक बात करने में कोई घबराहट नहीं है, उन्हें कोई इस बात की चिंता नहीं है कि देश का संविधान कोई चीज होती है उसकी रक्षा करना हमारे लिए जरूरी है। एक पार्टी आरक्षण के मामले में कह रही है कि 50% के लिमिट तोड़ देंगे, ये सब संविधान में संभव है, हमने तो देखा नहीं, बहुत सारे जाट मर गए हरियाणा में, मराठे, गुजरात, ये पटेल, सब जगह जो आंदोलन चल रहे हैं, राजस्थान में गुर्जर, ये सब के बावजूद हम वो सीमा नहीं तोड़ी जा सकी, कहते हैं कि 9th शेड्यूल में डाल देंगे, वो हुआ नहीं, वो रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। एक पार्टी है वो सिर्फ लोगों की जनभावना के नाम पे, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल है आपके देश की संविधान की जो मुख्य मुख्य सोच है, उसको बचाने में असंभव है। उसको उसको लग रहा है कि हम ये नहीं बचा सकते, हिंसा हो जाएगी, और चुनाव के टाइम हम कहाँ से पुलिस लेके आएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ यही दलील दे के भाग रहे हैं जी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अगर भागने लगेंगे तो आप मान के चलिए कि एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला वो भी तो था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े थे। तो मुझे कई बार ये लगता है कि ये लोग, मुझे लगता है ये लोग बहुत सोच समझ के, या हो सकता है इनकी वो गहराई खत्म हो गई जिस चिंतन से इन्हें आना चाहिए जी। तो नौशाद देसाई जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नौशाद जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि 22 साल से बीजेपी सरकार में है लेकिन विकास नहीं हुआ, गैर बराबर अभी भी समाज है गुजरात का, ज्यादा गरीबी है और ज्यादा अमीरी है, लेकिन फिर भी आप विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप जाति और आरक्षण से संबंधित आंदोलन से उपजे नेताओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं ताकि जातीय गोलबंदी हो और कांग्रेस जीत दर्ज करे, तो फिर विकास कहाँ रहा? दीपक जी, जरा ठीक तरह से मेहरबानी करके आप सोचिए, हमने तो केवल तीनों समाज जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, तीनों को हम वही रिक्वेस्ट करते थे कि आप तीनों साथ मिलिए और साथ मिलकर आप सरकार में शामिल होइए और आप खुद काम करिए। हम तो यही उनको रिक्वेस्ट किया पार्टी ने कोई। अच्छा, और आप ये जो बात करते हैं कि चुनाव नहीं हो गया दीपक जी, तो 22 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में चुनाव शासन करके महंगा कर दिया। उन्होंने चुनाव में जो पैसे बर्बाद किए, सरकार की सारी संपत्ति उन्होंने चुनाव में बर्बाद की, तमाम सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया चुनाव। हम उम्मीद करते हैं कि जनता अपना भला बुरा बेहतर तरीके से सोच सके और सियासी दल जो भी उनके सामने रखे हैं उसका बेहतर तरीके से निरीक्षण करे, उनका परीक्षण करे और समीक्षा करके ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, और जरूर मताधिकार का इस्तेमाल करे। देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसे चुनती है और किसके एजेंडे पर मुहर लगाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त हमारे पास नहीं है। धन्यवाद ब्रजेश जी, नौशाद देसाई जी, चहल भाई देसाई जी, चंद्रशेखर आपका भी धन्यवाद, और संजय शर्मा जी आपका भी धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।